इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहेगा, जहां जरूरत पड़ेगा इन सभी प्रश्नों की स्क्रीनशॉट भी करते चलेगा, क्योंकि ये 50 वो प्रश्न है, इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूपी स्पेशल के साथ वो सभी सीरीज है जो आपके लिए पूछे जाते हैं। मैंने यूँ कह सकते हैं जीए जी की विविध की सीरीज है। यहाँ पर अगर हम इस सारे प्रश्न बैंक की बात करें तो यहाँ पर एक पहला प्रश्न हमारे सामने है, ये यूँ कह सकते हैं भूगोल का भी प्रश्न और ये पर्यावरण का भी प्रश्न है। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन नाइट्रोजन। पहला सवाल उम्मीद करते हैं सबको आ रहा होगा, मतलब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं किसी का गलत नहीं होगा और सभी लोग इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे भी लेंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे फटाफट अंदाज में कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे, क्योंकि अभी की बार सिलेक्शन लेना है, आप सभी को सिलेक्शन लेना है। तो फटाफट अंदाज जवाब दीजिए, क्योंकि हम लोग वीडियो को शेयर कर ले रहे हैं और आपके साथ ही फटाफट अंदाज में पूरे सेशन को भी पढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपका एकदम आसान है, जहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, एकदम सभी को बच्चा बच्चा को पता होगा, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है 78.08%, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन आती है जो है 20.95%, लगभग 21%। इन दोनों को मिलाकर हमारे वायुमंडल में 99% गैस लगभग होती है। ये भी परीक्षा में आपके सवाल पूछा जाता है, तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये काफी अहम, काफी इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। आपके साथ अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अब ये प्रश्न आपको लग रहा होगा, हाँ सर ये तो नया प्रश्न है, ये पुराना प्रश्न है। अब ये पर्यावरण के प्रश्न आपके सामने है, ये भूगोल में भी पढ़ने को मिलते हैं, पर्यावरण में मिलते हैं, और उम्मीद करते हैं ये भी आपके सिलेबस में होगा और आप इन सबसे भी पूरी तरह से परिचित होंगे। तो जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं वे सभी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके इन प्रश्नों के जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है, तमिलनाडु में। वैसे मैं वीडियो को शेयर कर दे रहा हूं, अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आपको भी शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है, सभी लोग को, जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। जी हाँ, पर आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, तमिलनाडु। तमिलनाडु मतलब सवाल का उत्तर क्या होगा डी, अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। तो फटाफट अंदाज में आप लोग सवालों के जवाब देते रहिए और इस वीडियो के साथ साथ आगे भी बढ़ते रहिए। अगला सवाल आपके सामने है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ये पर्यावरण का सवाल है, विविध का सवाल है और आपको याद होना चाहिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 मई, 18 अप्रैल, 23 जून, 24 अप्रैल, सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज, ये प्रश्न बैंक आप सभी के लिए अहम और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, फिर से मुझे बताना पड़ रहा है। जहां जरूरत पड़े प्रश्नों की स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, कि ये आपको प्रीवियस पेपर जैसे जो कह सकते हैं कि प्रीवियस जो परीक्षाएं हो चुकी हैं वहां से झोला भर भर के सवाल ये परीक्षा में आपके लिए आते हैं। यहाँ पे हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह 18 अप्रैल होगा। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस है कमेंट करके बताइएगा। क्यों? किस देश में अल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? एकदम आसान सा प्रश्न, यूं कह सकते हैं हलवा वाला सवाल है और आप सभी के लिए, आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके हमें भी बताइएगा और खुद भी इस सेशन में जुड़िएगा। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जवाब सभी के आने चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रिया में है, जर्मनी में है, फ्रांस में, लेकिन इंग्लैंड में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो आपका ए होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया जो गलत है वही यहाँ पर सही है। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। अगला, निम्नलिखित में सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की ससराहट का डेसिबल क्या? ये इलेवन के दुर्गे से नोट्स में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो परीक्षा के लिए काफी अहम, काफी उपयोगी होते हैं। मैं चाहूंगा आप सभी साथी इन सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। जी हाँ, सामान्य वृक्षों में पत्तों की ससराहट होती है वो 100 dB होती है, डेसिबल होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। अगला सवाल आपके सामने है कि मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं क्या कमेंट करके बताइएगा, आवाज साफ है, वीडियो साफ चल रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, बताइए फटाफट कमेंट करके। सभी लोग जवाब देते रहेंगे। मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? निक्षेपण द्वारा, अपक्षय द्वारा, अपरदन द्वारा। प्रश्न नंबर 6 के जवाब सभी देंगे। तो यहाँ पर मिट्टी की रचना जो होती है निक्षेपण, सामान्य निक्षेपण के द्वारा होती है, सामान्य प्रक्रिया, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका ही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, खंभाती खाड़ी किसके मध्य स्थित है? डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहा करिए।
जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, खंभाती खाड़ी किसके मध्य में स्थित है। अगर खंभाती बात करें तो जैसे मैं छोटा सा एक मैप के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये खंभाती खाड़ी कुछ इस तरह से है। माना है हमारा भारत हो गया, तो ये जो बीच का ना ये हो गया आपकी कच्ची खाड़ी, लेकिन ये जो है यही है खंभात खाड़ी। ये क्या है, ये बात किया जाए तो यही है आपकी खंभात की खाड़ी है, यही आपकी खंभाती खाड़ी। अब इसी खंभाती खाड़ी को आपको बताना है और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस खंभाती खाड़ी के बारे में व्याख्या कर सकते हैं, इस खंभाती खाड़ी में आप सभी लोग बता सकते हैं। भुज जामनगर, भावनगर सूरत, राजकोट भुज, सूरत राजकोट, और यहाँ पे जो ये खाड़ी है ये आपकी कच्छ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को पढ़ रहे हैं वे सभी साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब देंगे, प्रश्न नंबर 7। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा भावनगर और सूरत, मतलब सवाल का उत्तर है आपका बी। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ आपके साथ। अगला है सोमपेन आदिवासी का निवास स्थल है, जो सोमपेन है ये आदिवासियों का निवास स्थान है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली। तो प्रश्न नंबर 8 के जवाब सभी साथी सभी मित्र इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर भेजें। सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान, सोमपेन आदिवासी का बात करें तो जो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपके परीक्षा में आता है, क्योंकि आप देखते होंगे जनजाति से वहां पे जो रहते हैं उनसे भी सवाल आपके परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा निकोबार। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया होगा निकोबार, ठीक। आप कहेंगे सर अंडमान अलग है निकोबार अलग है, जी हाँ अंडमान अलग है निकोबार अलग है, इसको हम सम्मिलित रूप में पढ़ते हैं अंडमान और निकोबार। मेरा आपसे सवाल है, मैंने पढ़ाया भी है प्रीवियस क्लास में कि अंडमान और निकोबार किससे अलग होते हैं, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अगला है बादल किस मंडल में अवतरित होते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, ये भूगोल और पर्यावरण दोनों का सवाल, और हम चाहेंगे जितने भी साथी मित्र हमारे साथ सेशन में बने हैं, जितने भी साथी मित्र सेशन में देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। तो बताइए फटाफट कमेंट करके सभी लोग, बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं। हल्का सवाल है और हम चाहेंगे जितने भी लोग हमारे साथ बने वे जवाब जरूर देंगे गलत ऐसे। यहाँ पर अगर हम बात करें बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं, प्रश्न नंबर 9 का जवाब, तो याद रखिएगा मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जो वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं ध्यान से समझे कि मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती है, जो पृथ्वी के सबसे पास का मंडल है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल के भी नाम से जानते हैं। तो जितने भी साथी मित्र हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो एकदम रट लें, याद कर लें कि बादल किस मंडल में अवतरित होता है, तो बादल के विषय में लिख लीजिएगा या मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं वह केवल केवल क्षोभ मंडल में होती हैं, इसलिए प्रश्न का उत्तर आपका ये होगा। हम आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी, गायपुरिया समिति, महाजन समिति, फेरवानी समिति, अमरसेन समिति, इसके बारे में जान लीजिएगा। इकोनॉमिक्स के सवाल है, इकोनॉमिक्स के नोट्स अगर आप पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के नोट्स उसमें सारे बिंदु आपको मिल जाएंगे। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति की अगर हम बात करें तो फेरवानी समिति ने किया था, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका होगा सी। अगला सवाल आपके सामने है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है, रॉबिन्स, मार्शल, कीन्स, एडम स्मिथ। प्रश्न नंबर 11 ये रटने वाली सवाल है। अच्छा इसको मैं आपसे कहूंगा कि इकोनॉमिक्स को किसने वेलफेयर कहा था, मतलब इसे यहां पे होगा मार्शल, आर्थिक कल्याण का, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उन्होंने कहा था, प्रश्न नंबर बी होगा 11 का। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चाहे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ आपके सामने है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। प्रश्न नंबर 12 का जवाब सभी साथियों को देना जितने भी साथी देख रहे हैं, ये भी हमने भारतीय संविधान की सीरीज में पढ़ाया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं चाहूंगा इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट भी आप अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे, जितने भी साथी मित्र इस सेशन को पढ़ रहे हैं अगर आप नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर काल या व्हाट्सएप कर
सभी लोग जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जवाब मुझे पता है गलत होने वाले हैं, यहाँ पर ज्यादातर लोग गलत होगा, और देखते हैं कितने लोग यहाँ पे गलत हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। यानी सर, एक कार्यवाहक की बात कर रही है। जी हाँ, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ये एकदम रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक होता है तदर्थ न्यायाधीश, मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा जाके वीडियो में थ्योरी में देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया है तदर्थ न्यायाधीश का कॉन्सेप्ट, वहां पे मैंने इसको अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है। तदर्थ न्यायाधीश इसके बारे में भी पूछा जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर तदर्थ न्यायाधीश। अगला है, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी। 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें कितनी अनुसूचियां थी, इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। 8, 9, 10, 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे चुनिंदा प्रश्न है, एक बार आज आपने पढ़ लिया, भविष्य में ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में गलत नहीं होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है आपके लिए कि जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, और जो गलती परीक्षा हाल में होनी थी, अगर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता तो वहां गलती ना होती, यहीं आप गलती करके सीख लीजिए। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी। ये भी काफी लोग गलत करेंगे, देखिए यहां पर होगा इस प्रश्न का 10, मतलब प्रश्न का उत्तर हो गया सी। और ये मूल संविधान में थी, ये क्या है, मूल संविधान में, और ये वर्तमान संविधान। तो यहां पर मैंने सभी को व्याख्या करके तोड़कर बता दिया, गलती हुई ना, लेकिन परीक्षा में गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। अगला है, ग्रामीण सूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय दिया गया है, और 12वीं में कितना दिया गया, कमेंट करके बताइएगा। तो 12वीं में कितने विषय है और ग्रामीण कितने विषय है, इनको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जवाब देना है, बताना है। तो ग्रामीण सूची के अंतर्गत पंचायती संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय हैं और 12वीं में 18 विषय हैं। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे याद कर लिए, जानते हैं सबके सही है। एक सवाल आपके सामने है, मुझे लग रहा है कि शायद सवाल कट रहा होगा, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, मिलान करना है। वित्तीय आपात प्रस्तावना की भाषा, राज्यपाल की नियुक्ति, विषय प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये कहां से लिया गया, वो उसी को आपको मिलान करना। उम्मीद करते सभी लोग इसको आराम से मिलान कर लेंगे। वित्तीय आपात की अवधारणा कहां से ली गई, सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके एक एक करके बताएंगे। जी हां, वित्तीय आपात की अवधारणा यूएसए के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, रट लीजिएगा। ये कूट वाले सवाल बेशक है, लेकिन परीक्षा में एकदम लाइन टू लाइन आपसे पूछे जाते हैं, और आपको जानते हैं कि परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं कितना। आगे अगर हम बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति अगर हम बात करें तो ये कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरिश संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसलिए अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों कि अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा के वृद्धि की व्याख्या की गई है, बताइए। मूलाधिकार का कॉन्सेप्ट है, प्रश्न नंबर 16 का जवाब आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। अनुच्छेद 29, 30, 45, 46, तो अब ये जानते हैं ये मूल अधिकार के साथ ये दोनों हो ही नहीं सकते। अगर आपने थोड़ा सा भी संविधान को पढ़ा है, आप प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करेंगे तो आप तुरंत इस बात कर लेंगे कि 45, 46 हो ही नहीं सकते। 29 और 30 में, 29, 30 में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 29 प्रश्न का जवाब होगा, मतलब एकदम आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे थे। ठीक है, आगे चले हम। अगला है, कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है, एकदम आसान सा है। प्रश्न नंबर 17 का जवाब दीजिए फटाफट अंदाज में आप लोग। डाक तार, टेलीफोन, राष्ट्रीय राज्य जल मार्ग, जल परिवहन, सभी लोग जवाब देंगे फटाफट कमेंट करके। जो भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जवाब जरूर दीजिए। देखिए, डाक और तार है, टेलीफोन भी है, जल परिवहन है, लेकिन राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। इस प्रश्न का उत्तर आपका है सी।
अगला है, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? जवाब दीजिएगा सब लोग। प्रश्न नंबर 18, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष। सभी के जवाब आने चाहिए, चाहे गलत हो जैसे ही सबके जवाब आने चाहिए यहां पर। जी हाँ, एक वर्ष। ये भी इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको पूरा मिल जाएगा। अगर आपने नोट्स पूरा पढ़ा होगा तो नोट्स में सब चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास पूरी तरह से निःशुल्क आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रहित में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया? सभी साथी जवाब देंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया? यह भी मैंने पढ़ाया है, इलेनी विद दुर्गेश के नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो हो जाएगा आपका 17वां संविधान संशोधन अधिनियम। मतलब इस प्रश्न का उत्तर आपका डी होगा। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगला है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? प्रश्न नंबर 20 का जवाब जरूर दीजिए। तो यहां पर 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। गंधार कलाशैली निर्माण से किसका संश्लेषण? यह प्राचीन इतिहास का सवाल है आप सभी के लिए। भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, भारतीय और यूनानी कला का। अगर कई की बात करें तो यहां पर प्रश्न का उत्तर डी होगा, भारतीय तथा यूनानी कला। अगला है, भारत भ्रमण पर आए वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया? भारत भ्रमण पर आए वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया? प्रश्न नंबर 22 का जवाब बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, बैंक आप सभी के लिए। डेली आप लोग टाइम से क्लास में बने रहा करिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में बार बार मिले तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा पाटलिपुत्र। ए वालों के जवाब यहां पर पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। यहां पर नोट संबंधित जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वे सब आपको यहां पर मिल जाएंगी। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट रख लें, चाहे तो आप इसे अपने पास सुरक्षित रख लें। क्लास खत्म होने पर इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो आप दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ सकते हैं, और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज पर भी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे मिलान करना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यहाँ पे चारों वेद हैं और इन वेदों के बारे में पढ़ाया और आपने भी पढ़ा और आपको भी यहाँ से पता होगा। तो आपको यहाँ पर ये बताना है ऋग्वेद क्या है, यहाँ पे ये वेद है और ये ब्राह्मण ग्रंथ है, इन्हीं का मिलान करना है। सामवेद का तो आप जानते हैं कि सामवेद का पंचविश है, शायद आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा। और अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गोपथ है। सतपथ किसका है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपको याद आएगा। सतपथ किसका है, यजुर्वेद का सतपथ ब्राह्मण, और ऋग्वेद का है कौशित की। तो अब इसके हिसाब से आप बताइएगा इस प्रश्न का सबसे सही विकल्प कौन सा होगा, आप लोग फटाफट बताइएगा। जो लोग इसे पढ़ रहे हैं, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, सभी के जवाब आने चाहिए। नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन, गौतम बलश्री, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। 24 का जवाब दीजिएगा। गौतम बलश्री। पंजाब में अमृतसर नगर की को किसने स्थापित किया था? बहुत यूनिक सवाल है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु रामदास। यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा गुरु रामदास। मतलब सवाल का उत्तर आपका हो गया आपके डी। यहां तक चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। अगला है, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक, इलवरी, खिलजी, लोदी। 26 का जवाब सवेरे दीजिएगा। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? प्रश्न नंबर 26 का जवाब सवेरे दीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिए। तुगलक।
अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? प्रश्न नंबर 27 के जवाब सभी लोग दीजिएगा। ब्रजभाषा, अवधि, खड़ी बोली, भोजपुरी। खड़ी बोली। मैं आपका ज्यादा समय भी नहीं ले रहा हूं, मैं चारों फटाफट अंदाज में प्रश्न बैंक आप लोग करते चलिए। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? नहीं, जो नहीं पढ़ेगा प्रश्न में गलती कर जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंक की सीरीज है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को फेसबुक पे या यूट्यूब पर कहीं भी लाइव देख रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, तमिल, 28 जवाब सभी लोग दीजिएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गुजराती था, अंग्रेजी था, तमिल था, लेकिन उर्दू नहीं था। अगला, निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? सभी साथी जवाब देंगे, दादा भाई नेहरू जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, सुभाष चंद्र बोस। 29 के जवाब सभी लोग दीजिएगा। बताइए दादा भाई नौरोजी जी, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? यह एवरग्रीन प्रश्न बैंक है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। सभी जवाब दीजिएगा फटाफट। प्रश्न नंबर 30 के, कैप्टन मोहन सिंह। ये गलती आप लोग कर रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन मैं चाहता हूं परीक्षा हाल में ये गलती आपसे ना हो। यहां बेसक को देनी, परीक्षा हाल में गलतियां ना होने पर। मिलाना आविष्कार, आविष्कार रक्त परिवर्तन, गर्भनिरोधक गोलियां, बैक्टीरिया, होम्योपैथिक। 31 का जवाब सभी को दे। होम्योपैथिक तो आप सभी को पता है, हनीमैन एकदम रट लीजिएगा। जब होम्योपैथ की दुकान पर जाएंगे तो हनीमैन रहता है, लगा के रखते हैं उनका। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया क्या होगा? पिनकस। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो यह है ल्यूवेनहॉक। रक्त परिवर्तन में है कॉल लरिस्टिनर, ये भी आप जानते हैं, इनका तो पहले ही पता था। गर्भनिरोधक गोलियां जो है पिनकस। इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए कमेंट करके। डी। अगला है, कौन सी बीमारी फफूद फंगस से कारण होता है? एथलीट फुट, फाइलेरिया, कालाजार, हर्पीज। जवाब दीजिएगा 32 का। सभी लोग जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं बताइए फटाफट कमेंट करके। एथलीट फुट। कौन सी सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी सेवन बायोटिन, विटामिन ई फिलोक्विनोन, विटामिन बी फाइव पेंटोथेनिक। 33 का जवाब सभी को देना है। कौन सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी सेवन बायोटिन, विटामिन ई फिलोक्विनोन, विटामिन बी फाइव पेंटोथेनिक अम्ल। 33 जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ सेशन को पढ़ते हैं। फटाफट अंदाजे जवाब दीजिएगा सभी साथी। ए रेटिनॉल सही है, बी सेवन बायोटिन ये गलत है, विटामिन बी फाइव पेंटोथेनिक। यहाँ पर जो गलत है वही आपका यहाँ पर सही है। ठीक, आगे बढ़ रहे प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने हुए? 10, 15, 18, 20। साइंस के सवाल है, सभी जवाब देना है। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? 20। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई है क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, मेडुला कहते हैं, वोमेन संपुट कहते हैं। 35 जवाब सभी लोग दीजिए।
नेफ्रॉन ए। देखिए नोट संबंधी जो भी जानकारी चाहिए यहाँ पे आप ले सकते हैं, पीसीएस है, केवीएस है, लेखपाल है, पीसीएस है, यूपी पुलिस है, सुपर टेट है, केवीएस है, अन्य सभी भर्तियों के नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। निम्नलिखित में पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, जिब्रेलिस है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरिंजेंस है। 36 का जवाब सभी लोग दीजिएगा, ऑक्सीन है सी। अगला, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तांबा, मैग्नीज, पोटेशियम, जस्ता। 37 का जवाब सभी लोग दीजिए, मैग्नीज बी। गैसी तत्वों में सबसे भारी तत्व है, गैसी तत्वों में सबसे भारी तत्व रेडान, जिनान, क्लोरीन, ऑक्सीजन। 38 जवाब सभी लोग दीजिएगा, रेडान। रेडान गैस कैसे उत्सर्जित होती है जरा कमेंट करके बताइए। अगला है, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच, प्रकाशी कांच, क्रुक्स कांच, फ्लिंट कांच। 39 जवाब सभी लोग दीजिएगा, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग हमारे साथ बने हैं, जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जवाब सभी को देना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, सबके उत्तर आने चाहिए। प्रकाशी कांच। कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? ये बहुत यूनिक प्रश्न है, बहुत बार पूछा है। मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? मिलेराइट, निकेल, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैडमियम। 41 जवाब दीजिएगा, ए निकेल। मिथाइल ऑरेंज की अम्ली विलय का रंग होता है, लाल, नीला, बैगनी, गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज, गुलाबी। यहां पे फिर से मिलान करने के लिए आपके पास कूट आ गया और हम चाहेंगे आप इसको मिलान करें। सूची है, कार्बोरेटर डायनमो, नायलॉन स्टील, इधर उनसे संबंधित व्यक्ति हेनरी लेसिमर, डॉक्टर रवालेस कैरियास, माइकल फराडे, जी डेबलर। 13 जवाब दीजिएगा सर। कार्बोरेटर है जी डेमेल है, स्टील का। डायनमो की अगर हम बात करें तो माइकल फराडे आप लोग ये जानते ही हैं, स्टील हेनरी लेसिमर है, नायलॉन जो है डॉक्टर वालेस कयार्स है। अब आपको बताना इसका उत्तर क्या होगा। किस दो राशियों का एसआई मात्रक समान है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब एसआई मात्रक से सवाल पूछे जाते हैं प्रायः, सरल सवालों में गिनती होती है। कार्य और शक्ति, बल शक्ति, संवेग तथा आवेग, कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? 2008, 2012, 2015, 2017। 45 जवाब सभी लोग दीजिएगा, ए 2008। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है? 46 जवाब सभी साथी मित्र दीजिएगा। देखिए डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पर सभी साथी जुड़े जाइए, जो भी अब तक नहीं जुड़े हैं, जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे टेलीग्राम आ जाएगा, टेलीग्राम पर आप ई लर्निंग पे दुर्गेश से ज्वाइन कर सकते हैं। 46 जवाब सभी साथी को देना है। ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता क्या होती है? घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है तो घटता है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? लोहा में, अल्मोनियम में, कांच में, पारे में। 47 जवाब दीजिएगा, प्रश्न के हिसाब से प्रश्न का उत्तर होगा बी एल्युमिनियम। यहां पे देखिए नोट्स संबंधी जितनी भी जानकारी आप यहां से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी के अलावा भी आपको भी नोट्स जो है वो चाहिए वो मिल जाएंगे। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? अल्फा किरण,
एक्स किरण, गामा किरण, पराबैंगनी किरण, 48 जवाब सभी साथी दीजिएगा। अल्फा किरण, मतलब ये गलत है भाई, सही है। चुंबकीय तरंगों में गामा है, पराबैंगनी एक्स है, लेकिन अल्फा नहीं है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, अल्फा किरण याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। लेकिन कौन सुमेलित नहीं है, 49 सभी को देना है। संगीत नाटक अकादमी गलत, ललित कला अकादमी, यहाँ पर स्पष्ट का उत्तर ये भी गलत, इसका मतलब ये सभी सुमेलित है। सभी सुमेलित है मतलब गलत। लास्ट आज का टॉप 50 का सवाल है, क्योंकि 50 प्रश्न हम लोग एक दिन में पढ़ते हैं। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, गोल्फ, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, 50 जवाब दीजिएगा। और सभी लोग डेली क्लास के लिए टेलीग्राम को दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश, घर बैठे सभी नोट्स के लिए अगर आप चाहते हैं सभी नोट्स और क्लास आपको फ्री मिले, तो एक नंबर और है जिस पर आप अपना नाम और जिला लिखकर भेजकर उस ग्रुप में जोड़ सकते हैं, जहां पर सभी क्लासेज आपको निःशुल्क मिलते रहेंगे और नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे, इस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, सभी नोट्स एनसीईआरटी वहाँ पर भी मिल जाएंगे। और चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, प्रतिदिन क्लास में बने रहेगा, क्योंकि टॉप 50 प्रश्नों की सीरीज है ये, प्रतिदिन इसी टाइम आपके लिए लाइव आती है और डेली आती भी रहेगी। फेडरेशन कप का संबंध किससे, फुटबॉल से है। और इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं करता लाइक करिएगा, फेसबुक वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। इसके अलावा दो और यूट्यूब चैनल हैं, स्टडी विद दुर्गेश सर और साथ ही साथ सुपर टेड विद दुर्गेश सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। उम्मीद करते हैं सेशन ये सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल अगर कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने मित्रों को साझा जरूर करिएगा। क्लास में टाइम से टाइम तक के लिए बने रहिएगा, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।